जो व्यक्ति जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको जाके पूछना चाहिए कि आप जात किनका लिखे, आपका लिखे कि आपकी पत्नी का लिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बिहार में जातीय जनगणना की मांग कर रहा था, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर जातीय जनगणना को लेकर इनकार कर दिया है। और अब बिहार में जातीय जनगणना की मांग को लेकर जो डिमांड है वो तेज़ है। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ दिनों पहले दिल्ली में बयान देते हुए कहा है कि जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है, लेकिन आज बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी से जब जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में जातीय जनगणना राज्य सरकार अपने खर्चे पर कराएगी, इस पर उन्होंने आरजेडी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे लेकिन अब तो वो लोग खुद जाति तोड़कर शादी करते हैं, तो ऐसे में जातीय जनगणना की ज़रूरत क्या है। सीधे तौर पर उन्होंने सवाल खड़े किया है, उन्होंने अखिलेश यादव का भी नाम लिया है कि अखिलेश यादव यूपी में और बिहार में तेजस्वी यादव दोनों लोगों ने अपनी जाति को तोड़कर शादी की है, तो ऐसे में जातीय जनगणना की डिमांड ये लोग किस मुंह से कर रहे हैं। और ऐसे में सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है विपक्षी पार्टियों के जातीय जनगणना के एजेंडे पर। ऐसे में उनसे सवाल यह भी किया गया कि बीजेपी के कई नेता भी ऐसे हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, तो इस पर इन्होंने सवाल किया है, खड़ा करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठकर बात करेंगे कि बिहार में आगे जातीय जनगणना किस तरीके से होनी चाहिए। इस पर आज सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप लोगों का बीजेपी जदयू का तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि जनगणना, देखिए जनगणना, जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम जदयू और भाजपा तो बैठकर तय करेंगे ही कि हमको क्या करना है, इसमें कहीं दो मत। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सब लोग बैठकर इस पर विचार करेंगे, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल को जातीय जनगणना कराने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगती है, क्योंकि वो तो जाति तोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो दो युवराज हैं, उन्होंने तो धर्म जाति ही तोड़ दिया, तो अब उनको जातीय जनगणना की जरूरत कहाँ है। जातीय जनगणना भाजपा और जदयू को तय करना है कि हम कराएंगे नहीं कराएंगे, इसकी समीक्षा होगी। कहा कि जो व्यक्ति जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको जाके पूछना चाहिए कि आप जात किनका लिखे, आपका लिखे कि आपकी पत्नी का लिखे। नहीं रहे, हमने कहा अरे सुनिए, हमने कहा कि जो लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार इसका डिमांड कर रही है, हम लोगों ने तो कहा कि इसकी बैठ के समीक्षा होगी, तो समीक्षा होगी, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर सर्वदलीय बैठक होगी, जो निर्णय होगा उसको आपको बताया जाएगा।